बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्यास यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट और इनका जो एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आता है और इसका जो क्लोजिंग मेरिट्स है, वो तमाम चीज़ें हम लोग आपसे शेयर करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि प्यास यूनिवर्सिटी की टेस्ट की, तो वो 24 जुलाई को जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में हो चुका है। बस अब 31 जुलाई को जो है वो बाकी सिटीज़ के अंदर हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको 2 वीक्स इंतज़ार करके आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो लगने लग जाएगी। अब इनकी जो है मल्टीपल मेरिट लिस्ट लगती है। पहली मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई मेरिट होता है, लेकिन फिर वो बाद में कोई इवन लास्ट टाइम तो है 5वीं मेरिट लिस्ट तक जो है अपलोड हुई थी। तो मतलब कि आप लोगों ने जो है ज़्यादा परेशानी होना, अगर किसी का एडमिशन ना भी हो तो वो बाकी यूनिवर्सिटी में से भी देख सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कम सीट्स होती है तो इसमें एडमिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल अगर बताते चले कि इसमें आप लोग जो है तकरीबन अगस्त के 2nd वीक तक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर इनकी मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी। ओवरऑल अगर बताते चले तो इसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, साइंसेस के कोर्सेज है और प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पाक लर्निंग स्पोर्ट.com की वेबसाइट पे जाकर पियास के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पियास यूनिवर्सिटी की, तो आप लोग वो भी जो है पाक लर्निंग स्पोर्ट.com के MCQs बैंक से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये तमाम आप लोग इसकी MCQs और पास पेपर, ये मुख्तलिफ चीज़ें आप लोग इधर से जाके हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग बताएं कि इनका जो मेरिट फार्मूला होता है, मेरिट फार्मूला इनका कुछ इस तरह होता है कि आपके जो एंट्री टेस्ट है वो 60% काउंट होता है और मैट्रिक के आपके 15% और FSC के आपके 25%। ऑल्दो एंट्री टेस्ट का जो है स्कोर जो है वो डिस्प्ले नहीं होता, मतलब सिंपल इनकी मेरिट लिस्ट ही डिस्प्ले होती है। लेकिन अगर आप लोग अगर मेरिट फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो आप लोग पाक लर्निंग स्पॉट.com की वेबसाइट पर जाकर ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल FSC और मैट्रिक के मार्क्स लिखने होंगे और एंट्री टेस्ट के आप लोगों ने 100 में से मार्क्स रखने होंगे, तो आपका पियास का एग्रीगेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग लास्ट ईयर की पियास की मेरिट लिस्ट की बात करें, तो ये 5वीं मेरिट लिस्ट है जो कि उन्होंने लास्ट में अपलोड की थी। और उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसी मेरिट लिस्ट लगती है तो स्टूडेंट्स को कुछ टाइम दिया जाता है कि वो जल्द से जल्द जो है वो डिपॉजिट फ़ी चलान को जो है वो डिपॉजिट करे और प्रिंट लेके उसको जो है वो जमा कराए, अदरवाइज़ उनका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाता है और नई मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो कि एडमिशन हो जाता है उसके सामने जो है वो कन्फर्म्ड हो जाता है। लास्ट ईयर फिज़िक्स के दोनों स्टूडेंट्स ने जो है वो टॉप किया था। इसकी वजह यही होती है कि जो फिज़िक्स में अच्छे होते हैं, क्योंकि पियास का ज़्यादातर जो फोकस होता है वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर होता है, तो इसलिए जो इसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं इनका एंट्री टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अलावा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज, ये बिल्कुल CS और IT से जो है वो मिक्सड एक फील्ड है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड है। इसके अलावा ये तमाम लिस्ट जो है आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं, पियास ने अपनी वेबसाइट को ऊपर अपलोड की थी। और इसके अलावा आप लोग मज़ेदार ये तमाम डिटेल जो है पाक लर्निंग स्पोर्ट.com की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग अगर इनके क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें, तो आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था, मेरिट पोजिशन थी, वो आप लोग देख सकते हैं कि 325 को पर क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो 573 पर क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंसेज जो है वो 617 पर क्लोज हुआ था। मटेरियल इंजीनियरिंग जो है वो 921 पे, फिज़िक्स जो है वो 631 और केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो 801 के ऊपर क्लोज हुआ था। जैसे आप इसके अलावा जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी तो आप लोग ये देख सकेंगे कि जैसे जितना भी आपका मेरिट पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख लेंगे कि लास्ट ईयर इतने क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस के ऊपर भी एडमिशन्स हो चुके थे। तो इसमें सेफ साइड में अगर रहना चाह रहे हैं तो आप लोग तकरीबन कोशिश करेंगे 500 से अबव की लाइन में रहे, उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ जोन में आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ज़्यादा स्टूडेंट 500 तक मेरिट पोजिशन वाले वो एडमिशन का हो जाता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये काफ़ी नीचे तक जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में तो आ जाते हैं लेकिन फिर इनका एडमिशन पॉसिबल नहीं होता। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हो मेटलर्जी जो है वो उसका सबसे लीस्ट क्लोजिंग मेरिट गया था लास्ट टाइम, 921 पे क्लोज हुआ था। फर्दर अपडेट्स के लिए भी आप लोग हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।